मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो हमने ग्रामर पढ़ चुके हैं, है ना, संधि, उसके आगे का हम पढ़ेंगे। हम इससे पहले पढ़ चुके थे संधि के बारे में, है ना, किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, तीन भागों में बांटा गया है संधि को, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है, उसके डेफिनेशन पढ़े थे। देन उसके बाद स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं, हम वो पढ़ चुके हैं, पांच कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है, वो पढ़ लिए। अब उसके पढ़ने के बाद अब हम कौन सा पढ़ेंगे, जो पांच प्रकार है सबको याद है कि नहीं याद है, कौन कौन से हम पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, ठीक है, यण संधि, अयादि संधि, और एक और कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। तो ये पांच हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट दीर्घ, सेकंड गुण, थर्ड वृद्धि, फोर्थ यण, है ना, फिफ्थ अयादि, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने बता दिया है सभी को कि इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको, मतलब जैसे जो जैसे जैसे लिखा हुआ है इन इनको पहचान के आपको जो याद रखेंगे कि जैसे अ प्लस ई प्लस अ को मिला के य का उच्चारण हो गया, ठीक है, जैसे कौन से यण संधि में, तो वो कैसा हो गया, यद्यपि। तो ये चीज़ अपन को याद रखनी है, यदि ये चीज़ें याद रखेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी संधि लगी है और कौन सी नहीं, है ना। तो अब ये अपन ने पांचों पढ़ने के बाद अब अपन जो संधि, है ना, जो संधि के जो तीन प्रकार थे, तीन भाग थे, तो अब उसका हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसका सेकेंड वाला पढ़ेंगे, व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे, व्यंजन संधि। तो वो व्यंजन संधि है, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। किसे कहते हैं, जब व्यंजन के बाद, क्या, व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आ जाए, ठीक है, व्यंजन के बाद, व्यंजन मतलब जो व्यंजन अपन ने पढ़ा है, स्वर कौन कौन से होते हैं वो, या व्यंजन, है ना, क से लेके ज्ञानी तक के शब्द आए और अ से लेके अह तक के शब्द आए, ठीक है, यदि ये शब्द आए तो क्या होगा, स्वर आ जाए तो उसे क्या होकर, उसके मेल से जो विकार, उन दोनों के मेल से जो विकार, मतलब जो परिवर्तन होगा, उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यंजन संधि, ठीक है। स्वर क्या आएगा, व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आ जाए तो उसके मेल को, ठीक है, जो अक्षर परिवर्तन हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, संधि, व्यंजन संधि कहेंगे, ठीक है। तो व्यंजन संधि, अब इसमें देखो, अब इसमें क्या क्या दिया है, फर्स्ट इसमें क ख दो भाग में बटे हुए, तो जब दो भाग में बटे हुए तो अपन क का भाग देख लेते हैं, त अक्षर के साथ च छ, अब ये क्या हो गए, ये पूरे वर्ड हो गए हैं व्यंजन, ठीक है, इसमें पूरे व्यंजन है, देख लो सभी लोग, है ना, आगे बात समझ में, क्या है इसमें, पूरे व्यंजन। अब व्यंजन के साथ आपको ये देखना है कि जो व्यंजन संधि है इसमें शब्द कैसे हैं। तो एक बात सब ध्यान रखना बेटा कि इसमें सारे आधे आधे वर्ड हैं, आधे मतलब पूरे वर्ड नहीं है, जैसे तच्छांग, इसमें छ और च आधा है, इसमें च आधा है, ठीक है, इसमें भी च आधा है, इसमें च आधा है, तल्लीन, इसमें ल आधा है, जिसमें आधे आधे शब्द होंगे वो कौन से शब्द हो जाएंगे, व्यंजन, कौन से हो जाएंगे, व्यंजन, एक बात याद रखना, जिसमें आधे आधे शब्द हो जाएंगे वो हो जाएंगे व्यंजन। तो बहुत आसानी से आप पहचान जाओगे। और इसमें अक्षर के साथ, यदि त अक्षर के साथ कितने शब्द होंगे, देखो ज छ ज, ठीक है, झ ल न ट ठ तथा ड का मेल होने पर, सिर्फ त के साथ इतनों का मेल होने पर, त के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्रमशः ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है, तो हो जाते हैं, त के स्थान पे इतनी चीजें यदि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो व्यंजन का रूप ले लेगी। अब देखो त प्लस च, तो तच, तो च आधा हो गया इसमें, त प्लस छ तो छ हो गया, है ना, इच्छ, तो इसमें भी त छ आधा हो गया, अब इसमें त झन ज, तो ये ज आधा हो गया,
अब इसमें त प्लस ज, इसको सब में त त में इसको जोड़ते जाना है, और जो जोड़ने पे ये चीजें आएगी तो इनका जहाँ मिलन ऐसा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। अब उदाहरण देखो, तत्चक्रम तो तत् धन चक्रम तो तत्चक्रम, ठीक है, तच्छांग तत् धन छांग, छ का उच्चारण हो रहा है तो क्या हो गया तच्छांग, है ना। वैसे इसमें भी हो गया, इसमें इजी इजी कैसे आते हैं, तल्लीन तो तत् धन लीन तल्लीन, जगन्नाथ आता है अधिकतर तो जगत धन नाथ हो, क्या हो जाएगा जगन्नाथ, ओके। तट्टिका आता है तट धन टीका, इसमें ट आ रहा है ट आधा हो गया तो त और ट का उच्चारण हो गया तो क्या आ जाएगा तट्टिका, ठीक है। अब इसमें ये चीज हो गए, अब इसमें आएगा ख। अब ख में देखो, क च ट त प के बाद कोई स्वर, अब कोई स्वर आएगा य र ल व ह, वर्ग का तीसरा, ठीक है, वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, ठीक है, किसमें, यदि इस स्वर में, इसके बाद यदि स्वर में इनके बाद तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए तो इनमें स्थान, इसका फिर स्थान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा ग ज ड ध व तथा ब हो जाएगा। जैसे देखो, दिक धन अंत दिग्गत धन अंत अज्जत, देखिए इसमें आता है जगन दिग्गज ज्यादा आता है, दिक धन गज दिग्गज, इसमें आएगा षडानन अधिकतर आता है, षड धन आनन षडानन, जगत धन ईश जगदीश, क्या हो जाएगा जगदीश, है ना। तो ये चीजें ऐसी हो गई। अब इनको आप जो मेन मेन है वो देख लेना, मेन मेन है जो पढ़ लेना, ओके। तो ये कौन सी हो गई, व्यंजन संधि हो गई। इसके बाद अपन पढ़ते हैं विसर्ग, थर्ड आएगी फिर विसर्ग संधि, कौन सी आएगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के, याद रखना विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल होने पर जो है ना विकार, मतलब जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन के मेल होने पे, जब दोनों स्वर या व्यंजन का मेल होगा, मतलब परिवर्तन होगा, तो उसको क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे, ओके। तो अब देखो इसमें जो, जैसे कि अब इसमें जैसे दिया है हरि धन चंद्र हरिश्चंद्र, क्या आएगा हरि धन चंद्र हरिश्चंद्र, नमः धन कार नमस्कार, ठीक है, मन धन रथ मनोरथ, हरि धन अलम हरिर्लम, ओके। अब इसमें देखो, अब इसमें जो दिए गए हैं इसमें अलग अलग भाग में बढ़ गया है, जैसे विसर्ग संधि के प्रमुख नियम, अब इसमें नियम बता दिए, तो नियम कैसे, इसके विसर्ग का ओ होना, ठीक है, अब विसर्ग में यदि ओ का उच्चारण होगा तो कैसा आएगा, यदि पद के अंत में अ के बाद विसर्ग आ जाए और उसके आगे वर्ण का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो, अथवा य र ल व में से कोई वर्ण हो तो उसे अ के स्थान पर ओ हो जाता है, जैसे यशोगान तो यशह धन गान यशोगान, मनह धन हर मनोहर, है ना, ये आते यशोगान मनोहर, ये दो ही चीज आते, तो अपन ये दो ही चीज पढ़ेंगे। अब इस सेकेंड वाला आ जाएगा विसर्ग का स श या श होना, षटकोण का, यदि विसर्ग के बाद त या थ हो तो विसर्ग का स, यदि विसर्ग के बाद च या छ, इसमें बहुत डिफिकल्टी है बेटा, तो हम सिर्फ इजली इजली पढ़ेंगे तो ये अपन इतना ध्यान नहीं देंगे, ओके। तो जैसे इजी इजी हो गया, अपन ने पढ़ लिया विसर्ग के बारे में, संधि के बारे में, तो संधि के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि संधि के तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है, तो अपन ने तीन भाग पढ़ लिए, स्वर व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। अब स्वर के पांच भाग हो गए, वो पांच अपन ने पढ़ लिए, उसके बाद सेकेंड हो गया व्यंजन, थर्ड हो गया विसर्ग, तो विसर्ग का जो मेन हो गया वो पढ़ लिया, ओके बच्चों। तो ये चीज अपन यहाँ तक पढ़ चुके हैं, सभी को अपनी फेयर कॉपी में यहाँ तक कर लेना और उसको धीरे धीरे करके याद करो, और इसके जो जो भी पॉइंट है, जो मेन मेन पॉइंट है, उनको लिख लो ताकि तुमको पहचाने में कोई दिक्कत ना हो, ओके बच्चों।
तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपन नेक्स्ट ग्रामर के साथ पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।